देखो बच्चों, इनको आप पहचानते हो? हाँ जी। कौन है ये? रतन टाटा। रतन टाटा। देखो ये भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इनका नाम रतन टाटा। और ये अभी 9 अक्टूबर को इनकी डेथ हो गई। हम आपको आज इनके विषय में बताते हैं। देखो इनके जो पापा थे उनका नाम था नवल टाटा। क्या नाम था? नवल टाटा। और इनको छोटेपन से अपनी दादी से बहुत प्यार था। इनकी जो दादी थी वो इनको बहुत प्यार करती थी और इनको पढ़ाने लिखाने में, इनका काम करवाने में दादी बहुत आगे रहती थी। दादी की छाया में ये पले बढ़े और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अमेरिका से प्राप्त की। इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की, एमबीए किया और फिर भारत में आकर अपना बिजनेस शुरू किया। देखो हम तुम्हें बताएं, अगर तुम देखो तुम कितनी सारी चीजें हैं जो टाटा की इस्तेमाल करते हो। हमारे किचन में नमक आता है टाटा नमक, हमारे यहाँ चाय आती है हम चाय पीते हैं टाटा गोल्ड। टाटा की कई किस्में हैं चाय की, बहुत सारी हैं। कॉफी टाटा की कॉफी है। ये खाने पीने की चीजें हैं। इसके अलावा घड़ी, घड़ी टाटा स्काई, ये सूचना प्रसारण वाली चीज है, मनोरंजन वाली चीज है। गाड़ियां टाटा सुमो, टाटा मोबाइल, टाटा सफारी, मतलब टाटा ने अपना बिजनेस जो शुरू किया उसमें अगर आप देखेंगे, बस सुनो बेटा सुनो, और टाटा स्टील बहुत दूर दूर तक उनका बिजनेस है, विदेशों में उनका बिजनेस है। टाटा मोटर्स, मोटरें, कार, ट्रक, ये सब टाटा के बनाए हुए हैं। और बड़े बड़े होटल्स, जो बम्बई में ताज होटल है जहाँ पर एक बार आतंकवादी हमला हो गया था, वो टाटा का बनाया हुआ है। एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल टाटा ने बनाया बॉम्बे में, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, उसमें मुफ्त इलाज होता है कैंसर। इसके अलावा 100 से ज़्यादा देशों में टाटा की कंपनियां। लेकिन टाटा कैसे थे? टाटा बहुत सरल, बहुत सिंपल, सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे और दानी बहुत थे, दान बहुत करते थे। जिस समय कोरोना हुआ था उस समय उन्होंने मास्क, पीपीई किट और कैश बहुत दान किया था। अपने बड़े बड़े होटल्स उन्होंने खोल दिए थे उन कोरोना पीड़ितों के लिए, कि जहाँ जगह नहीं थी तो उन्होंने अपने होटल खोल दिए। उनके इलाज में उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, सरकार को उन्होंने बहुत हेल्प की इस बीमारी से लड़ने के लिए। इसके अलावा उनकी जो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, उनकी जो ये कंपनियां हैं, इसमें एक खास बात है, लाखों लोग नौकरी पाते हैं टाटा से। इन दोनों कंपनियों में जितने लोग भी काम करते हैं, एक नियम बनाया हुआ है कि जो भी ब्लड डोनेट करता है, रक्तदान सुना है, लोग अपना खून दान करते हैं। जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है, डॉक्टर कहता है इसको खून चढ़ेगा, तो खून कहाँ से आता है? बाजार में तो मिलता नहीं है, तो हम किसी ना किसी का खून लेके तब उसको चढ़ाते हैं। तो इसके लिए लोग रक्तदान करते हैं अपनी इच्छा से, और रक्तदान करके वो जो रक्त है, खून है, ब्लड है, वो ब्लड बैंक में जमा हो जाता है और सबके ब्लड का एक ग्रुप होता है, जो पता होता है कि भाई इस ग्रुप का ब्लड चाहिए तो ये मिल जाए।
टाटा की कंपनियों में उन्होंने क्या नियम बना रखा था कि जो भी व्यक्ति ब्लड दान करेगा, एक तो उस दिन की उसे छुट्टी मिलेगी और उस एक हफ्ते के अंदर वो किसी भी एक दिन की छुट्टी ले सकता है, उसमें उसकी तनख्वाह नहीं कटेगी, पैसे नहीं कटेंगे। इससे क्या हुआ कि जो भी ब्लड डोनेट करेगा उसको दो छुट्टी मिल गई, जिस दिन उसने ब्लड दान किया उस दिन, और उस एक हफ्ते में जब भी उसे छुट्टी चाहिए तो वो छुट्टी ले सकता। तो इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया और उनके कुछ अधिकारियों ने ये बात कही भी कि इससे तो कंपनी का नुकसान होगा जब लोग छुट्टी ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कंपनी का नुकसान होगा, लेकिन जिसको ब्लड चढ़ेगा उसको कितना फायदा होगा, उसका जीवन बच जाएगा ना। तो इसलिए उन्होंने ये जन कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये उन्होंने कार्य किया और वो अभी भी चल रहा है। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी बात ये थी, कुत्तों के बड़े शौकीन थे। उनके पास दो डॉग ऐसे थे, एक तो वो गोवा से लेके आए थे, उसका नाम भी उन्होंने गोवा रख दिया था, और एक कुत्ता और है उनके पास। दो कुत्ते उन्होंने पाले और वो कुत्तों के इतने शौकीन थे कि उनको एक बार एक पुरस्कार मिलना था और वो पुरस्कार विदेश में मिलना था, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना था। तारीख तय हो चुकी थी लेकिन उनके कुत्ते की तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने फोन कर दिया कि मैं ये पुरस्कार लेने नहीं आ सकता। उन्होंने वो पुरस्कार छोड़ दिया और अपने कुत्ते की सेवा में लगे। अभी भी जब उनकी डेथ हुई तो उस कुत्ते ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और वो जंजीर में बंधा हुआ, लोग उसको लिए हुए थे, उनके गार्ड वगैरह, और वो उधर को जाने की कोशिश कर रहा तो उसको ले जाया गया उनके अंतिम दर्शन कराने के लिए। भाई सिक्योरिटी कुत्ते को नहीं जाने देगी, लेकिन उनका चूंकि पालतू कुत्ता था, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, वो बहुत दुखी था, तो उसको दर्शन कराने के लिए। इसका मतलब ये पशु भी उनसे इतना प्यार करते थे क्योंकि वो पशुओं को बहुत प्यार करते थे। वो अविवाहित थे, उनकी पत्नी नहीं थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने बिजनेस में लगाया और बिजनेस के माध्यम से उन्होंने देश की सेवा की। उनका बिजनेस अपने फायदे के लिए नहीं था, वो बहुत बड़े मकान में नहीं रहते थे, उनका जीवन बिल्कुल सिंपल था। ऐसे ही होटल में जाके, अपने होटल में जाके ऐसे ही खाए आते थे और पेमेंट करके आते थे। ऐसा नहीं था कि वो फ्री में खा के आए और ये लगे कि साहब मालिक आए, ऐसा कुछ नहीं, एक आम आदमी की तरह बिल्कुल रहते थे। ऐसे रतन टाटा जिन्होंने लाखों करोड़ों हजार रुपया दान किया, मतलब जितनी किसी के पास संपत्ति भी नहीं है, अंबानी परिवार जैसे जो धनी घराने हैं उनके पास जितनी संपत्ति है उतनी तो उन्होंने दान कर दी, और उनका दान देश के लिए, देश की सेवा के लिए था। और एक बहुत अच्छे पायलट भी थे, पायलट भी थे, उन्होंने हवाई जहाज भी चलाया, उनकी हवाई जहाज भी बनाया, उन्होंने कारें भी बनाई। एक छोटी कार बनाई थी, क्या नाम है पता है, नैनो, एक नन्ही सी कार आई थी, 1,00,000 रुपए में मिलती थी, उसको नैनो उन्होंने नाम दिया था। लेकिन वो थोड़े दिन बाद उसका उत्पादन बंद हो गया, वो ज्यादा नहीं चली, लेकिन वो बड़ी अच्छी कार थी जो छोटी फैमिली अपने लोकल सफर कर सकती। ऐसे रतन टाटा वयोवृद्ध हो गए 86 साल की एज में और अपनी सामान्य बीमारी के तहत चले गए, और उनके अंतिम संस्कार में बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्मी हस्तियां और प्रसिद्ध लोग शामिल हुए। और जिसने भी कहा है उसने उनके लिए एक ही बात कही है कि वो बहुत ईमानदार और सरल व्यक्ति थे, ऐसा व्यक्ति अब बार बार नहीं पैदा होगा। तो भारत को उन पर गर्व है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको सदगति प्राप्त हो और हमारे देश में और लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कोरोना काल में किसी व्यक्ति की तनख्वाह नहीं काटी, घर बैठे तनख्वाह दी, पूरा खर्चा दिया और किसी को अपनी कंपनी से निकाला नहीं। इतना बड़ा लॉस होते हुए संसार में जो
कोरोना पहला हुआ था उन्होंने इतनी ज्यादा सेवा की कि आज जिन व्यक्तियों का उनसे कुछ लेना देना भी नहीं, जिनसे वो कभी मिले नहीं, जिनको उन्होंने कभी कुछ दिया लिया नहीं, लेकिन वो भी उनके जाने से दुखी हुए जब उन्हें पता लगा डाटा चले गए, तो उन्होंने लगा अरे बड़े अच्छे आदमी। तो हमें उनके जीवन से क्या सीखना चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ईमानदार बनना चाहिए और देश के प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव होना चाहिए, देश के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए और दान करना चाहिए। हमारा जो हम अपने पैसे में से कुछ पैसा निकाल के दान करते हैं जो दूसरों के काम आता है, तो उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और दूसरों की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तो हमें दान भी करना चाहिए, हमें देश के लिए भी प्रेम रखना चाहिए, हमें सरल और ईमानदार बनना चाहिए। ज़्यादा पैसे को जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं रखना चाहिए, यानी हर समय पैसा 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 नहीं करना चाहिए। जितना पॉकेट में है वो खर्च कर लो, ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। रतन टाटा जी के जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सदगति प्राप्त करें। समझ में आया? थैंक यू।